Hi guys, welcome to my channel. My name is Rishika Kashyap and in today's video, we're going to discuss why you need to leave your comfort zone, your parents' home immediately. So without further ado, let's get started. So I moved out of my parents' house 2-3 months back. I'm 25 at the moment. And this is a decision that I've been meaning to take for a really long time. In fact, after I graduated, uske baad se, I've been meaning to move out of my parents' house. But then lockdown happened, COVID happened. After that, I got a job in Delhi because of which I wasn't able to move out. But now it made sense for me to move out. So I voluntarily did move out of my house, which is why I can now tell you ki ye zaruri kyun hai. So this is a very short video. मेरे दिमाग में बस ये टॉपिक आया था तो मैंने सोचा कि मैं ये डिस्कस करूँ ऑन माई चैनल बिकॉज आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली टुवर्ड्स इट. आई फील ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, आई फील प्रोडक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट, आई फील क्रिएटिविटी इज इम्पॉर्टेंट एंड आई फील लिविंग अलोन इज अ स्किल दैट यू रियली रियली नीड टू मास्टर एंड लिविंग इंडिपेंडेंटली इज समथिंग दैट विल गिव यू दैट एक्सपीरियंस ऑफ वंस इन अ लाइफ टाइम दैट यू विल ओनली एक्सपीरियंस इन योर 20s, अर्ली 20s टू बी प्रिसाइज बिकॉज यूर still ready to take on challenges, you're still ready to move out of your comfort zone, you are ready as a person to move out but still uncomfortable to a point. So in our parents' house, we're always in this bubble and you feel that you're independent if you're earning but you're really not independent. You don't know how to manage a house, you're always surrounded by people, you're always looked after, you know, and you don't have any responsibilities whatsoever. अर्ली 20s के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करना इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रूशल इन माई ओपिनियन. सो वाई मूविंग आउट इज इम्पॉर्टेंट इज फॉर यू टू गो आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स. क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ बचपन से ही हैं. जब तक हम उनके साथ बचपन से ही है तो एक कम्फर्ट रहता है, रिलैक्स है, पैसे कमा रहे हैं, उनके घर पे है तो अपने पे उड़ा रहे, उन पे नहीं उड़ा रहे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे नहीं आ रहे, हमें मनी मैनेज करना नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो आई फील इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मूव आउट क्योंकि आपको वो कम्फर्ट जोन से जब आप बाहर निकलोगे तब आपको रियल वर्ल्ड के बारे में पता लगेगा. हाँ, बहुत लोग कहेंगे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात, स्पेशली आपके पेरेंट्स बोलेंगे ये चीज़, बट जब आप इंडिपेंडेंटली रहना शुरू करते हो ना तब आपको चीज़ों की वैल्यू पता लगनी बहुत ज़्यादा शुरू होती है. टुडे आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट माई पेरेंट्स वेंट थ्रू. आई हैव मोर एम्पथी टुवर्ड्स देम. माई रिलेशनशिप विद देम हैव इम्प्रूव्ड बिकॉज वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ स्पेस वेर वी डू मिस ईच अदर एंड ऑल्सो आई रिस्पेक्ट वॉट एवरीथिंग दैट दे हैव डन फॉर मी 10x. बहुत सारी एवरीडे की चीज़ें होती है जो हम लोगों को घर पर बैठ के समझ नहीं आती और बस इट्स जस्ट टेकन केयर ऑफ. And when you start living alone, this is when you become an adult, proper, functional, working adult who is ready to take on responsibilities, who is ready to take on accountability, which is so crucial to live life. आगे life में बहुत ज़्यादा problems आती है. I've seen it. के life में in general challenges will always be there. You should know how to deal with them. अगर आप अपने parents के घर पर रहेंगे और उसके बाद you just move on with your partner, get married, then you have never really lived alone and you would always be dependent is what I mean. I feel अकेले रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने ऊपर डिपेंडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है. आपको कभी किसी का और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जब आप अकेले रहना शुरू करते हो और अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आ जाती है सो यू विल नेवर सेटल फॉर अ पार्टनर ओनली बिकॉज देर गिविंग यू कम्फर्ट बिकॉज यू कैन प्रोवाइड इट फॉर योर सेल्फ. इट इज़ एक्सट्रीमली ट्रूली एम्पावरिंग. यू विल know what to do with your career because you will be more driven, you will have more time to work on your career. This is another point why I moved out. I thought that my creativity was taking a back seat when I was at home kyunki koi na koi beech mein disturb kar deta tha. I didn't have my own pace, I didn't have my own time. There were people all around all of the time and it used to obstruct माई वे ऑफ थिंकिंग, माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स. आपको कभी कभी अपनी तरीकों से चीज़ें चाहिए. आपको हर बार हर चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई हैव माई ओन स्पेस, आई हैव माई ओन टाइम, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ. तो इसलिए मैं उठ के रूटीन से क्या करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, अपने कुक्स को, हेल्पर्स को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू डील विद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इज वॉट आई हैव लर्न हियर, which is a life skill that everybody should know. Management is something that you will have to deal with later in life also. Kabhi work life balance karna padega, kabhi married life balance karni padegi, kabhi bachcho ko manage karna padega. There are so many things that in life you will have to manage.
But if you're not even able to manage yourself, how do you expect not to get overwhelmed after you get those responsibilities? To avoid that overwhelmness, अभी जब आप यंग है, जब आपके पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जब आप ही अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बी इंडिपेंडेंट, टेक दैट स्टेप एंड जस्ट डू इट. लोगों को लगता है एक्स्ट्रा खर्चा होता है, डेफिनेटली होता है, बहुत खर्चा होता है, लेकिन आपको पैसों की वैल्यू करनी आती है, आपको पता है पैसे कैसे मैनेज करने और उस पैसों में कैसे सेव करना है. क्या वो एम्पावरिंग नहीं है? इंडियन कल्चर के अंदर अपने पेरेंट्स का घर छोड़ने का रिचुअल ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है टू अस. But somewhere I feel that growth ke liye, when you move houses, when you move cities, to be very honest, you see 100x growth. You have more time to think about yourself. Of course, what you do with that time is also very crucial. Kuch log hote hai jo sirf time pass hi karte hai, party karte rehte hai. So that's a different sort of a thing. Isse achha hai ki aap apne parents ke ghar pe raho. But if you move for the purpose of self-development, for self-growth, when you actually seek it is when you get it. So once I moved out, I've seen 100x growth in the kind of consistency that I have in my life, the kind of routines that I've set for myself. I have my own pace, I do things at my own pace, I do things at my own leisure, I do whatever I want to do. This a sort of freedom. Of course, on a lot of days I do get very, very tired, I get exhausted, I just need somebody to take care of me. But even on those days when I fight is when I feel empowered, that you know, I got through this day, I can get through anything in life. To have that self-confidence in yourself, to learn that independence, to have that dependability on yourself is so empowering. It's another kind of a high that I cannot explain. Your career moves 10x. You are more proactive at your work because you know that you have to provide for so many things. You have to pay your rent on time, you have to pay your helpers on time, you have to travel, you have to manage your food, you have to manage your groceries, you have to manage household chores and so many issues that come with it. You have to manage weather, you have to manage clothes, there's just endless amount of things that you need to do, and still you make time for yourself is when you grow. Of course, parents are not the happiest people when you move out. I'm still struggling with mine, still trying to tell them that I'm happy and I'm trying to grow and this is what I want in life. In no way am I trying to say that parents ka responsibility mat lo. In fact, jab aap bahar rehte ho tab aapko zyada lagta hai ki I have to, you know, earn more to give more, give back more to my parents. But parents parents hi hote hai, unko bachche apne aas paas hi chahiye. Kabhi kabhi wo shell se nikalna bahar bahut zyada इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे लाइफ आपको देखा है अपनी आँखों के सामने, एंड फॉर देम इट्स जस्ट अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ देयर लाइफ टू सी देयर चिल्ड्रेन ग्रोइंग अप. बट वंस दे सी दैट यू आर एबल टू मैनेज योर लाइफ प्रॉपरली एंड दे हैव दिस सेंस ऑफ रिलीफ दैट यू फील उनकी शक्ल पे देख के जब वो एक बार आपको विजिट करने आते हैं, दिस इज एन अनएक्सप्लेनेबल सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग. They will always miss you, you will always miss them. But this is just a phase of life that you need to experience to grow in life, to further your career, to be independent, to never make the wrong choices only out of compulsion. To be financially independent is so empowering. And as a woman, if you are a woman who's watching this, this is for you. Do it. Move out. This is the best decision, hands down, that I've ever taken. And I would encourage you to take it as well. Just take that leap of faith, move out, and you'll know what I'm experiencing right now. That's all for this video. Thoda sa discussion tha. Tell me in the comment section ki aap kya feel karte ho iske bare mein. And yeah, thank you for watching. If you like this video, please subscribe to my channel. My name is Rishika Kashyap, signing off. Bye.